तो साथियों SSCET में 170 सेंटीमीटर हाइट को बढ़ाने के लिए ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज का तरीका है। तो आप ऐसे करके बॉडी को बैलेंसिंग करके अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। SSCET 2023 का हाइट मेजरमेंट सभी को पता है 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। तो हाइट को कैसे आप इंक्रीज करें, बहुत सारे साथियों का हाइट नहीं है, एग्जाम पास कर चुका, फिजिकल सामने है, तो PET PhD हमारा जो होगा तो फिजिकल के लिए आपको हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा। हाइट बहुत सारे साथियों का नहीं है, गर्ल्स कैंडिडेट के भी नहीं है, तो कमेंट मुझे डेली आ रहा है। तो हाइट को इंक्रीज करने का मेरे चैनल पर वीडियो है, अभी आप वीडियो कैसे बनाते हैं उसको देखा, हाइट को कैसे इंक्रीज करें लाइव आपको करके दिखाएंगे। तो हाइट हमारे क्या होती है, हाइट होती है हमारे बॉडी का जो स्टैंडिंग पावर जिसका ज़्यादा है उसका हाइट उतना है। फौज में जाने के लिए तो आपका हाइट लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो साथियों हाइट को इंक्रीज करने के लिए देखो, पुलअप से बढ़िया कोई भी तरीका नहीं है। मैंने जितने भी सारे वीडियो पोस्ट किया उसका पुलअप से ही हमने किया। तो पुलअप कैसे करना होगा, पुलअप की सही तरीका कैसे पता करें, पुलअप कितना बार करें, कौन टाइम में करें, कितना खाना खाइए, डाइट प्लान, तो वीडियो को पूरा देखो आपको हम बताएंगे। तो ठीक है साथियों, लेट स्टार्ट। तो देखो अपने ग्राउंड पर नहीं तो अपने घर पर एक पुलअप जरूर बनाओ, क्योंकि बहुत सारे साथियों इंडियन आर्मी का लवर है, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो इंडियन आर्मी में सभी जानते हैं 10 बार पुल बीम करना पड़ता है, तो 10 बीम पुल बीम तो आपको करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। अग्निवीर का जो नई भर्ती आएंगे तो उसके लिए भी आप तैयारी करें। बहुत सारे साथियों रनिंग कर लेते हैं, 1600 मीटर रनिंग 4:44 में कर देंगे हम, 5 मिनट में कर देंगे, लेकिन पुल बीम नहीं कर पाते। तो पुल बीम करने से हमारा हाथ तगड़ा हो जाती है, बाइसेप्स बनती है और हाइट इंक्रीज होती है। तो हाइट इंक्रीज करने का कोई भी दवा जो जड़ी बूटी मिलती है बाजार से ऐसे खा लो, आपका हाइट इंक्रीज होगा। उस काम में मत जाओ, लोगों को पैसा मत दो, आप सिर्फ वर्कआउट करके अपना हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन ले रहे, हमको जी जुनून होना चाहिए कि हम फौज में जाएंगे और हमारा हाइट को इंक्रीज करेंगे। अगर नहीं है तो अगर रनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो रनिंग को आप इंक्रीज करें। तो देखो पुल बीम आप जब करेंगे तो बिल्कुल पहले अपने बॉडी को इस तरह से बैलेंसिंग करके थोड़ा रनिंग कर ले, जंपिंग कर ले, लाफ दौड़ी है तो लाफ दौड़ी के मदद से आप ऐसे करके आप जंपिंग करें, ऐसे करके ऐसे जितना चाहे आप 100 बार 200 बार जंपिंग कर लो, आपका जंपिंग करने से लेग स्टैंडिंग पावर बन जाएगी, आपका हाइट को इंक्रीज करने में मदद करेगी। उसके बाद पुल बीम आर्मी पुलअप 10 बार लगाना। आर्मी पुलअप कैसा करता है आपको देखो, आर्मी पुलअप आप 10 बार करो ऐसा करके हाथ को उल्टा सीधा पकड़ के पैर जोड़, ऐसा करके आप आर्मी पुलअप करो ऐसा, ठीक है। तो वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, तो आप ऐसे करके 10 बार करो। इसके बाद जो नॉर्मल पुलअप है इस ऐसे करके, तो नॉर्मल पुलअप को भी आप 10 बार करो। आपको हाइट को इंक्रीज करने में ये सबसे बढ़िया टिप्स है, हाइट को इंक्रीज करने का यही सबसे बढ़िया रास्ता है। आप करें अपने ग्राउंड पर फिजिकल के लिए, अगर तैयारी करते हैं, सामने फिजिकल डेट है, 8 दिन बाकी है, तो फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर रनिंग बहुत लंबा रनिंग है, आप तैयारी आपको करना ही होगा। और हाइट को इंक्रीज करने में आपको 7 दिन लगेगा। डेली आप 4 सेट पुलअप करें, 10 बार करें, फिर 1 मिनट रेस्ट, फिर 10 बार करें, 1 मिनट रेस्ट, फिर 10 बार करें, 1 मिनट रेस्ट, फिर 10 बार करें, टोटल 4 बार 10 बार करके आपको देना होगा, टोटल 40 बार, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट हो तो गर्ल्स के लिए भी आप हाइट ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ऐसे एक्सरसाइज करो, रनिंग धीरे धीरे करो, क्योंकि रनिंग तो हमारा लगेगा ही 5 किलोमीटर, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट 15 सेकंड टाइम दिया जाएगा। तो 8 मिनट के अंदर फीमेल अगर रनिंग करना चाहते हैं तो आपका बहुत बढ़िया टाइम है, ज़्यादा टाइम है 1600 मीटर को कम्प्लीट करने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें। हाइट बढ़ाने के 2 पुल बीम आपको करना होगा, आर्मी पुल बीम और नॉर्मल पुल बीम। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, आज बस इतना ही। तो 1 मिनट में हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आपका अंदर जुनून है तो। फौज किसी से डरता नहीं, सोल्जर इंडियन सोल्जर किसी से डरता नहीं, और अगर डर करेंगे आप अनमोटिवेशनल, आप टेंशन करके बैठे रहेंगे मेरा हाइट कैसे इंक्रीज होगा, ये तो सर बता दिया था 1 मिनट में हाइट बढ़ जाएगा, ये ढप दे रहा। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ऐसा आप मत सोचें,
जुनून रखो आपके जरूर होगा। इस बार भर्ती में नहीं हुआ तो दूसरे भर्ती जब आएंगे उसमें हमारा हाइट को इंक्रीज कर देंगे। ऐसा जरूर होना चाहिए। मैं भी जब बीएसएफ में गया था तो मेरा पहले मेडिकल में कैंसिल पड़ गया था, हाथ ज्यादा हमारे पास ही नहीं आते, तो फिजिकल एग्जाम पास कर गया, फिजिकल पास कर गया, मेडिकल में हमारा प्रॉब्लम। तो कैसा टेंशन करके, मुझे भी बहुत टेंशन आई थी, तो टेंशन करके घर में बैठे रहने का कोई जरूरत नहीं। सिफो जी को जानते हो, ग्रैंड मास्टर, तो उसका एक वीडियो देखा, जो फौज में जाते हैं वो डरता नहीं, दूसरे बार हम प्रैक्टिस करके हमारा हाथ को भी मेडिकल के लिए बिल्कुल सेफ रखा, आज बीएसएफ का नौकरी मिल गई फौज है। तो फौज के लिए आपको कोई टेंशन करना नहीं जरूरत है, आप जुनून रखें, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो शाम 5 बज गई, ड्यूटी पर जाना होगा, आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।